Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. So, in eye disorder, next topic we are going to discuss about retinal detachment. I hope you have heard about this topic. So, what is the definition of retinal detachment? It is a condition of separation of retinal pigment epithelium from the sensory epithelium. This is what is this? Here we have two layers. एक होता है हमारा रेटिनल एपीथी पिगमेंट एपिथीलियम एक होता है सेंसरी एपिथीलियम तो जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम रेटिनल डिटैचमेंट क्लियर नेक्स्ट इज टाइप्स इसके हमारे क्या है चार टाइप्स होते हैं मेनली रिगमेटोजेनस डिटैचमेंट इसमें क्या होता है हमारा जो एक रेटिना वाला एक एपिथीलियम था एक हमारा सेंसरी एपिथीलियम था तो इसमें क्या होता है टीयर बन जाता है और जो इधर से हमारा विट्रस फ्लूड है वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा इन दोनों लेयर के बीच में हो जाएगा विच कॉज रेटीना डिटैचमेंट क्लियर हुआ क्या हुआ एक टीयर बन गया जिसकी वजह से हमारा जो सारा फ्लूड है वो उस लेयर से पेनिट्रेट होके उन दोनों को सेपरेट कर देगा ओके क्लियर नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्शन डिटैचमेंट इसमें डिटैचमेंट क्यों होता है ट्रैक्शन मीन्स कोई भी पुलिंग फोर्स जब पुलिंग फोर्स हमारा ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा डिटैच हो जाएगा रेटिना क्लियर नेक्स्ट है थर्ड वाला रिथमेटोजेनस एंड ट्रैक्शन डिटैचमेंट इसमें क्या है कॉम्बिनेशन है ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब एक टीयर भी हो जाएगा और हमारा पुलिंग फोर्स ज़्यादा भी होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा रेटिनल डिटैचमेंट होगा नेक्स्ट है एग्जूडेटिव डिटैचमेंट एज दिस वर्ड मीन्स एग्जुडेटिव मीन्स किसी एग्जुडेट की वजह से किसी इन्फेक्शन की वजह से मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई क्या हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूड किसी एग्जुडेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो क्या कर रहा है रेटिनल डिटैचमेंट कोस कर रहा है ठीक है क्लियर हुआ ये चारों पॉइंट ओके जैसे यहाँ पे यू कैन सी ये हमारा एक रेटिना था इधर क्या हुआ इधर यू कैन सी इधर हो गया टीयर टीयर हुआ जिसकी वजह से जो इधर वाला फ्लूड है वो हमारा सारा कहाँ चला गया इसके बीच में इसके बीच में गया तो फिर ये क्या करेंगे इसको इन दोनों लेयर्स को डिटैच कर दिया क्लियर हो इसको ही बोलते हैं हम रिगमेटोजेनस डिटैचमेंट क्लियर नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स सो वाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स सेंसेशन ऑफ शेड और कर्टेन लाइक ये हमारा मतलब आई है इधर हमें कुछ मतलब ये हमारा विजन है ठीक है ये हमें मान लो एक पेड़ दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर इधर मतलब एक कर्टेन की तरह ये वाला पार्ट से हमें मतलब ब्लैक दिखागा लाइक कोई कर्टेन आ गया हमारी आग के आगे ठीक है ऐसे होगा सेंसेशन ऑफ शेड और कर्टेन नेक्स्ट कॉवेब्स मतलब ऐसे लाइक वो बोलते हैं ना हम स्पाइडर का वेब लाइक like, उस जैसा हो जाएगा ऐसे हमें थ्रेड जैसा स्पाइडर वेब जैसा हमें दिखेगा ठीक है नेक्स्ट फ्लैशिंग लाइट्स फ्लॉटस व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉटस हमारा आई में बहुत सारे ब्लैक 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 स्पॉट्स हो जाएंगे जहाँ से हमें नहीं दिखेगा क्लियर इट इज़ यूजली पेनलेस पेनलेस होता है ये हेयर यू कैन सी द सिम्टम्स जैसे अभी मैंने बताया फर्स्ट क्या है अपेयरेंस ऑफ मैने ब्लैक मैनी ब्लैक स्पॉट्स उनको हम क्या बोलते हैं फ्लॉटर्स ठीक है नेक्स्ट है फ्लैशेज ऑफ लाइट एज वी ऑलरेडी डिस्कस नेक्स्ट इट इज परसिस्टेंट पेनलेस ब्लर्ड विजन इट इज़ पेनलेस नेक्स्ट इज़ अ ग्रेजुअल रिडक्शन एंड द योर साइड विजन मतलब हमारा विजन में विजन कम होगा एंड ब्लर्ड होगा नेक्स्ट अ कर्टेन लाइक शेडो एज आई ऑलरेडी टोल्ड नेक्स्ट इज there can be no symptoms in the long uh, long standing slow retinal detachment there can be no symptoms also is it clear so what are the diagnostic tests diagnostic test kya karenge? as uh, we have already discussed about these diagnostic tests so what all tests we can do for the uh, retinal detachment indirect ophthalmoscopy slit lab, um, examination fluorescence angiography और वी कैन डू एन आई अल्ट्रासाउंड और ऑप्टिकल कॉरेंस टोमोग्राफी वी कैन डू ऑल दिस टेस्ट कैन बी डन टू डिटेक्ट रेटिनल डिटैचमेंट क्लियर नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट सो इसमें हमारा कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता मेडिकल मैनेजमेंट से हम ठीक नहीं कर सकते तो क्या आते सर्जिकल मैनेजमेंट जो फर्स्ट हमारे सर्जरी सर्जिकल मैनेजमेंट है वह है स्क्रल बक्कल स्क्रल बक्कल मीन्स कोई भी बंडल लाइक हेयर यू कैन सी ना एक बंडल जैसा कुछ है तो क्या होता है स्क्लेरा इज कम्पोज कंप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरल बकल टू होल्ड स्क्लेरा कोरोइड एंड रेटिना ये क्या करेगा इन तीनों को होल्ड करके रखेगा जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हमारा नहीं हो पाएगा क्लियर नेक्स्ट है न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी क्या होता है जैसे हमारा एक टेयर हो गया था तो हम एक गैस बबल या फिर सिलिकॉन ऑयल इंजेक्ट करेंगे विट्रस कैविटी में जो हमारा रेटिना को पुश करेगा अगेंस्ट आर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जिसकी वजह से वो हील हो जाएगा नेक्स्ट दिखा यह, पिक्चर दिखाते हैं हेयर यू कैन सी यहाँ पिक्चर ये क्या स्क्लेरल बक्कल वाला है ये क्या करेगा होल्ड करके रखेगा ताकि रेटिनल डिटेचमेंट जितना हुआ है आगे ना हो ठीक है नेक्स्ट जैसे हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था रे, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी तो न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी में हमारे क्या हो रहा है इधर हमने एक बबल इंजेक्ट किया है ना गैस का बबल इंजेक्ट किया गैस बबल क्या करेगी कंप्रेस करेगी जो हमारे टियर है उस पर जब टीयर पे कंप्रेस किया तो फिर ये रेटिनल डिटैचमेंट कम हो जाएगा और ये जो गैस बबल है वो श्रिंक हो जाएगा विद द टाइम ठीक है नेक्स्ट सर्जरी थर्ड सर्जरी हमारा क्रायो सर्जरी और लेजर थेरेपी या फिर डायाथेरेपी हम बोलते हैं ये प्रोसीजर्स uh, क्या करते हैं जो इन्फ्लॉमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे और स्कार फॉर्मेशन कर देंगे टू सील द रेटिनल टीयर लेजर से क्या होगा जो हमारा टीयर बना है उससे क्या होगा स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा और टीयर क्लोज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा रेटनल डिटैचमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट इज इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट सो वट इज़ द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी So, we have to cover both the eyes to minimize stress, further detachment, and damage. Prevent the patient from any jerky movement of head, which can further lead to retinal detachment. Next is post operative nursing management. We have to provide bed rest, dark glasses, eye patches, and assist with daily activities. Uh, we have to provide dark glasses in the morning time and eye patches in the night time. Clear? नेक्स्ट मोनिटर फॉर द ब्लीडिंग या फिर सडन आई पेन इफ दर सडन आई पेन और एनी ब्लीडिंग वी हैव टू नॉट इफाई द फिजिशियन आफ्टर नेक्स्ट इज आफ्टर न्योमेट्रिक रेटिनोपैक्सी प्रोवाइड अ प्रोन पोजिशन प्रोन पोजिशन क्यों देंगे ताकि जो गैस बबल है वो एक्ट करे एज अ टेम्पोनेट फॉर द रेटीना टेम्पोनेट कैसे मतलब उस पर प्रेशर दे और फिर वो जो हमारा टियर है वो क्लोज हो सके ठीक है देन वट वट वी हैव टू डू वी हैव टू प्रोवाइड अ प्रोन पोजिशन टू द पेशेंट देन रीडिंग वॉचिंग टीवी इज लिमिटेड फॉर थ्री टू फाइव वीक्स जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है वो थ्री टू फाइव वीक्स तक अवॉइड करना है नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टन फ्रॉम एनी एक्टिविटी विच कैन इंक्रीज आई ओ पी जो भी एक्टिविटीज लाइक स्ट्रेस वाला है जम्पिंग है कफिंग है वो सब हमें प्रिवेंट करना है विच कैन इंक्रीज आई ओ पी क्लियर सो दिस मच इज रेटनल डिटैचमेंट टॉपिक सो वी विल डू अ फर्स्ट विजन ऑफ दिस टॉपिक सो वी हैव डिसमेंट इसमें क्या होता है हमारा एक रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम है एक सेंसरी अपीथीलियम है जब ये दोनों से अपरेट हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट इट इज मेनली ऑफ फोर टाइप्स होता है हमारा फोर टाइप्स कौन सा रेगमेटोजेनिस डिटैचमेंट uh, होता है रेगमेटोजेनिस में क्या होगा हमारा इनरेगमेटोजेनिस uh, एक टेयर हो जाएगा जिसकी वजह से विटरस्यूम विट्रस फ्लूड जो है वो हमारा उन दोनों लेयर के बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा सेक, हमने पड़ा था ट्रैक्शन डिटैचमेंट ट्रैक्शन डिटैचमेंट में क्या हो रहा है पुलिंग फोर्स की वजह से हो रहा है थर्ड है रेगमेटोजेनस ट्रैक्शन इट इज uh, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोथ बोध एंड ट्रैक्शन एग्जोरेटिव डिटैचमेंट में क्या होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूड एक्मुलेट करते हैं उसकी वजह से क्या होता है एक्जोरेटिव डिटैचमेंट होता है ठीक है नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट uh, हमने साइन सिम्टम्स पढ़े थे साइन एंड में मेन क्या है एक फ्लॉटर्स है फ्लॉटर्स देन फ्लैशिंग ऑफ लाइट है देन पर्सेज पेनलेस है देन हमने पढ़ा कि विजन uh, लॉस कर रहा है एंड मेन है कर्टन लाइक शेड जो होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक टेस्ट इन डायरेक्ट स्लिट लैम कर सकते है, हैं फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी आई अल्ट्रासाउंड ऑप्टिकल टोमोग्राफी ऑल दिस वी कैन डू देन सर्जिकल में हैंड मेन तीन पढ़ा स्क्लेरल बकल पढ़ा स्क्लेरल बक्ल में क्या करते हैं हम उसको एक स्कलैरल बक्ल से कंप्रेस कर देंगे न्यूमेटिक रोटिनोपैक्सी पढ़ा पे एक ऑयल इंजेक्ट करेंगे जो उसका टयर को कंप्रेस करता है और बंद कर देते हैं क्रायो सर्जरी पढ़ा हमने ये क्या करता है स्कार फॉर्मेशन बनाएगा रेटिनल टीयर पे जिसकी वजह से वो करेक्ट हो जाएगा देन हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है डार्क ग्लासेस प्रोवाइड करने हैं ब्लीडिंग वगैरह देखना है एनोमेटिक रेटिनोपैक्सी में हमें प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करना है देन स्क्रीन टाइम लिमिट करना है देन पेशेंट uh, को कोई भी पेशेंट फ्रोमेन एक्टिविटी जो इंक्रीज आयोपी करे उन सबसे अवॉइड करना है Uh, I hope you, you are clear with the topic. If you have any doubt, you can ask in the comment section. And if you like the video, please like, comment, and subscribe the channel. Thank you so much.